फिल्म द केरला स्टोरी इन दिनों काफी चर्चाओं में है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बनी इस लो बजट फिल्म ने कलेक्शन के मामले में शाहरुख खान के ब्लॉकबस्टर मूवी पठान को भी पीछे छोड़ दिया। इस फिल्म ने भारत में 10 दिनों में लगभग 136 करोड़ रुपए का नेट कारोबार कर लिया, साथ ही दुनिया भर में 150 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। फिल्म द केरला स्टोरी ने 10 दिनों में लगभग 136 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। वही फिल्म का दूसरा वीकेंड काफी शानदार रहा। शुक्रवार को इसने 12.35 करोड़ रुपए का कारोबार किया। वही शनिवार को इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 19.50 करोड़ रुपए रहा है। ये भारत में नेट कमाई के आंकड़े हैं। रविवार को फिल्म 23 करोड़ रुपए से भी अधिक कमा सकती है और इस तरह फिल्म ने 10 दिनों में 136 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। अगर दुनिया भर की कमाई की बात करें तो इसने 150 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर लिया है। फिल्म उसी तरह ट्रेंड कर रही है जिस तरह द कश्मीर फाइल्स और कांतारा ब्लॉकबस्टर हुई थी। द केरल स्टोरी को सुपर डुपर हिट का तमगा मिल गया है और फिल्म ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में भी आ सकती है। इसने कमाई के मामले में शाहरुख खान की पठान को भी पीछे छोड़ दिया। पठान ने 117.28% का प्रॉफिट कमाया था। पठान का बजट 294 करोड़ के आसपास था, जबकि द केरला स्टोरी का कुल बजट लगभग 10वां हिस्सा मतलब 30 करोड़ रुपए है। इस तरह इसने अब तक प्रतिशत लाभ के मामले में पठान को काफी पीछे छोड़ दिया है और आने वाले दिनों में फिल्म और अच्छा कलेक्शन करने की उम्मीद कर सकती है।